ओम शांति। 1 जून 2023 की साकार मधुर मुरली। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न: माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? बाबा उत्तर देते: बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी, संशय आया तो पद गवा देंगे। गीत है: तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल सहज है, आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमोर्टल है, ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, बच्चे तो बहुत है, उनमें से कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। बेहद का कैसा वर्षा दे रहे बाबा? हमें सुख का वर्षा देने के लिए लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था, उस समय का भारत राइटियस लॉफुल 100% 100% सॉल्वेंट था, ये बाप समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, समझते हैं ना सभी? विश्व के मालिक थे, कहे हाँ जी बाबा। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, गॉडेस ट्रुथ कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते थे। तुम मात पिता, अब उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। नशा चढ़ा? तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मनुष्य बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नाम रूप में ले आते हैं कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म अनेक मते हो गई है, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ ये वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाय जन्म याद किया ना, अभी ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, पाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर
कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के मात पिता, ये है बेहद का मात पिता, जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पार्ट बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। ये है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई, अजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, आज वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया? बाबा समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो सभी निश्चय बुद्धि है ना, हाथ ऊपर करें। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे? संशय बुद्धि होकर छोड़ देते हैं, वो कितनी अधम गति को पाएंगे? तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने। अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, चीफ जस्टिस होते हैं, यहाँ तो सब एक ही है। बाप कहते हैं, हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा न बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। ये समझने की बातें हैं। तुम मात पिता कहे फिर उनकी मत पर चलना ही है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। ये टाइटल मिलते हैं। तुमको राज्य भाग्य मिलना है। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज रहता है, डबल सिर ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं ना, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे, फिर सिर्फ एक रत्न जड़ित ताज, सिंगल ताजधारी हो जाते द्वापर से। पतित राजा रानी पावन राजा रानी की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे, न रत्न जड़ित ताज न पवित्रता का लाइट का ताज। तो बाबा कहते हैं, ताज हाँ दोनों नहीं रहे, माना ताजलेस, ताजलेस बन गए हैं। ये है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, डेमोक्रेसी है ना, प्रजासत्ता, जिसको पंचायती राज कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिवान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिर ताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल लिया है, संगम होने कारण ये भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू हो जाते हैं।
यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्युलोक में ही यादगार बनाते हैं, जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमरलोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से ये सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगत अम्बा आदि देवी कौन है कोई भी नहीं जानते, मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्य को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता, बाप है नॉलेजफुल। हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाप पवित्रता का सागर है। हम भी बनते हैं, बन रहे हैं ना सभी, कहे हाँ जी बाबा। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सुपवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़ी भूलते हैं, मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। ये ड्रामा अनुसार पाठ होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नोंद है, ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा नहीं। हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ही तो कोई बैठ न सके, चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्म इंद्रियां हैं तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन ऑर्गन्स से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है। यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है, वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं। बाबा के लिए तो सब बच्चे ही हैं, सब मुझे याद करते हैं। निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं है। कोई संशय नहीं लाना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते हैं माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत है, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती है फिर आती है जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दादा दादे से वर्षा कैसे ले सकते हैं? वर्णों में आना जरूर है।
समझाया जाएगा ये देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है, जो इस कुल के है उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं है। जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता, तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। कहते हैं ना सभी बाबा से ये प्रतिज्ञा, दिल से कहे हाँ जी बाबा। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है, सावधानी देते हैं बाबा। हरे कितना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, ये है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना चाहिए। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है। हाँ, लोभ भी दो प्रकार के ना, बाबा कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए जो संसारी वस्तुओं की आश रहती है तो वो अशुद्ध लोभ है। परंतु अगर देखा जाए तो जिसको पुरुषार्थ का रहता है कि मुझे पुरुषार्थ में अभी नंबर आगे लेना है तो वो शुद्ध लोभ है। बाबा कहते हैं वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। पुरुषार्थ करना, स्वर्ग का वर्षा लेना, ये शुद्ध लोभ है। तो बाबा कहते हैं मोह भी शुद्ध है, एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है। बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे कुछ भी हो जाए। अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए परंतु बाप के तो हो, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है, पतित को सौतेला कहेंगे, आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। ये अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रालब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, बाप में कभी संशय नहीं लाना है। आज का मीठा वरदान, संतुष्ट रहने और और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। तो आज का स्वमान, मैं शुभ भावना शुभकामना संपन्न आत्मा हूँ। विश्लेषण, ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि रखो तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन है,
परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी पर आधारित 9:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। ओम शांति।